आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, और ये ऐसी सत्य घटना है जिसको सुनकर आपके मन में भी जो भी डाउट है लड्डू गोपाल को लेकर वो क्लियर होंगे कि हम घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी सेवा कैसे करें, क्या निषेध है, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये कहानी के माध्यम से, सत्य घटना के माध्यम से आप सबको समझ पाएंगे। तो अगर लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सत्य घटना है ममता जी की। ममता जी के घर में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन वो कोई उनके घर में कोई परहेज नहीं है कि जैसे लड्डू गोपाल हैं तो हम उनके साथ कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ भी जानकारी नहीं है। और वैसे ही उनके घर में लड्डू गोपाल रह रहे हैं। तो फिर ये बात कैसे पता चली, कैसे उनको समझ में आया ममता जी को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले उनके घर में कीर्तन था, तो कीर्तन में जैसे जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं वो लोग भी उसमें शामिल रहते हैं, और जो साथ में जैसे भजन कीर्तन किसी को इंटरेस्ट है भजन कीर्तन में, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक उनकी फ्रेंड थी जो कि अपने घर में भी लड्डू गोपाल को रखे हुए थी और भगवान की सेवा करती थी लड्डू गोपाल की। अब क्या होता है कि कीर्तन बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है सब कुछ। ममता जी कुछ जो कीर्तन करने आई थी उनके लिए कुछ बनाया हुआ था, भगवान का भोग लगाया, और कुछ जैसे कीर्तन हो जाते तो लास्ट में कुछ प्रसाद देते हैं वैसे ही कुछ खाने के लिए बनाया हुआ था। तो ममता की जो फ्रेंड थी वो भी हेल्प करने के लिए किचन में जाती है, और जब किचन में जाती है देखती है तो वो तो देखते ही रह जाती है। वो देखती है कि वहाँ साइड में जो डस्टबिन था जैसे कुछ डालने के लिए की होगी, तो उस डस्टबिन में एग के कुछ जो टुकड़े होते हैं जो भी वो पड़ा हुआ था। तो वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोली, सबको प्रसाद प्रसाद दे दी, और फिर बाद में वो पूछती है कि तुम कैसे सेवा करती हो, क्या करती हो, घर में क्या बनता है नहीं बनता। फिर उसकी जो सहेली थी, जब सारी वो सब चली जाती हैं और ये रुकती है उसकी फ्रेंड, और फिर ये सब सारी बात बताती है, कहती है कि मेरे घर में कोई परहेज नहीं है, कुछ भी नहीं है कि लड्डू गोपाल जैसे रखे हैं, वो भी हमारे घर का एक सदस्य ही है, जो भी हम लोग खाते हैं सब भगवान तो आप घर में है ही विराजित हैं, तो उनको कहाँ कर देंगे, और घर वाले तो मानेंगे नहीं। तो ऐसे जब वो कहती है तो उसकी सहेली जो थी वो मतलब सुन के बड़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि लड्डू गोपाल कब से हैं तुम्हारे घर में, तो वो बोली कि मेरी सासू माँ के हैं और सासू माँ एक्सपायर हो गई, तो अब मैं अपने पास रखी हूँ और मैं सेवा करती हूँ। तो उसने पूछा कि सासू माँ भी ऐसे ही करती थी कि घर में सब कुछ बनता खपता था और लड्डू गोपाल रखे हुए थे? तो वो बोली कि नहीं, वो उस टाइम पे वो अपने पास रखती थी, वो अपने कहीं दूसरी जगह रहती थी, तो ससुर और सास दोनों साथ में रहती थी, तब वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और बहुत सात्विक तरीके से रहती थी, भोग लगाती थी और वही प्रसाद पाती थी। लेकिन उनके दोनों के एक्सपायर होने के बाद लड्डू गोपाल की देख रेख कौन करता, तो मैं अपने घर ले आई थी, और घर ले आई, और फिर यहाँ पे तो मुश्किल है, यहाँ पे तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, और हस्बैंड ऑफिस ले जाते हैं तो उनको लहसुन प्याज वाला खाना चाहिए, और मेरे बच्चे भी एग वेग खाते हैं तो मैं बनाती हूँ। तो वो जो सहेली थी फिर वो उनको समझाती है कि देखो ये लड्डू गोपाल है, ये भगवान है, और जहाँ पे लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें निषेध होती है। तुमने अपने घर में लड्डू गोपाल को रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रखने से पहले उनके नियम भी होते हैं कुछ। ये कोई वैसी कोई खिलवाड़ थोड़ी है लड्डू गोपाल की सेवा या कि लड्डू गोपाल को रखना, कोई टॉय नहीं है और ना कोई देखा देखी वाली बात है। आपका जब भाव हो और आप जब अंदर से पूरे तरीके से तैयार हों कि हाँ हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, तभी लड्डू गोपाल को रखना चाहिए, क्योंकि उसी घर में उसी रसोई में आपका एग भी बन रहा है, उसी रसोई में आपका सब कुछ बन रहा है, और उसी रसोई से आप भगवान का भोग बनाती हैं। वो मान लिए हम इस बात को कि आप वो भोग नहीं, एग का भोग नहीं लगाती होंगी, लहसुन प्याज वाले भोजन का भोग नहीं लगाती होंगी, लेकिन बन तो आपके यहाँ तामसिक भोजन बन रहा है ना, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? कितनी बड़ी गलती कर रही थी ये सब कुछ, कितने दिनों से कर रही थी, और भगवान तो तुम्हारा ना तो भोजन स्वीकार कर रहे हैं ऐसे में, और ना ही तुम्हारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि तुम जरूर कर रही हो, तुम अपने से सोच रही होगी कि मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन ऐसे में भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, ना तो आपकी सेवा और ना ही आपका भोजन तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ उसी में वहीं बन रहा है और आप भोग लगा रहे हो। इसलिए जब अगर आप भगवान को रखी हो तो थोड़ी सा नियम का पालन करो। तो वो पूछती है कि अब मैं क्या करूं, तो वो कहती है कि पहले तो तुम अपने घर में मनाने की कोशिश करो कि ये सब चीज़ बंद हो जाए। देखो सब कोई अगर खाते भी हो, तुम लोग कुछ खाते भी हो, तो बाहर सारी व्यवस्थाएं हैं, घर में लड्डू गोपाल रखे हो तो थोड़ी सा नियम का पालन करो, घर में ये सब चीज़ें मत बनाओ और बाहर खाओ, और बाहर अगर खाते हो, जब खाते हो तो फिर भगवान को स्पर्श मत करो, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और जो कि हम भगवान को अपने घर में रखते हैं, लड्डू गोपाल को रखते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान हमें अनुभूति नहीं करा रहे हैं, कुछ
हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे घर में भगवान है, कुछ कृपा नहीं हो रही है, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल इतनी कृपा करते हैं, इतनी अनुभूति कराते हैं, मेरे लड्डू गोपाल तो कुछ भी अनुभूति नहीं कराते। तो जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से भगवान हमारे मतलब जागृत नहीं रहते। रहते तो है, मूर्ति रहती है, सब कुछ, लेकिन वो भाव भगवान के हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। और हम कभी भी किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता को आप भगवान बना के घर में रखी हो, तो उसके हिसाब से आप उनसे कोई रिश्ते के साथ जुड़े, जैसे कि या तो आप शंकर जी रखे हो, उनको गुरु के रूप में मानो, या लड्डू गोपाल रखे हैं आप, तो उनको बाल रूप में, एक बालक के रूप में, एक पुत्र के रूप में, दुर्गा जी माँ के रूप में, मतलब हर भगवान के साथ कोई रिश्ते के साथ, गणेश जी हैं उनको भाई बना लीजिए। ऐसे जब हम किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे ना, तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ बातें जो निषेध हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कोई वैसे नहीं कि लड्डू सबके घर में रखे हैं, ट्रेंड चल रहा है तो हम भी अपने घर में लड्डू को पाल लें, हम भी अपने घर में रख लें, ये कोई दिखावे वाली चीज़ नहीं है। जब तक आपके अंदर भाव ना आए, जब तक आपके आप पूरे तरीके से तैयार ना हो जाएं लड्डू गोपाल को रखने के लिए, तब तक आप अपने घर में लड्डू गोपाल बिल्कुल मत रखिए। और अभी तुम कुछ दिन पहले मेरे से कह रही थी ना कि बहुत परेशानी चल रही है, बहुत तंगी चल रही है, इनकी जॉब छूट गई, तो तुम कह रही थी कि देखो तुम्हारे घर में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, तुम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लड्डू गोपाल भी तभी कृपा करते हैं जब हम लड्डू गोपाल को एक भगवान के रूप, भले आप उनको एक बालक के रूप में सेवा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये बात तो पता है ना कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, तो हम उनको उनके हिसाब से जुड़े, एक शुद्धता के साथ, एक पवित्रता के साथ उनके साथ जुड़ेंगे, तब भगवान भी हमारी विनती सुनते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें अनुभूति कराते हैं। हर लड्डू गोपाल कृपा करते हैं, अनुभूति कराते हैं, कब, जब आप उनके साथ जुड़ोगे। और अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप अपने आप में सोचो कि मैं कुछ ऐसे गलती तो नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे मेरे घर में कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। फिर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये हमसे गलती हो रही है, इस वजह से हमारे घर में कृपा नहीं हो रही। नहीं तो जिस घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना, बहुत कृपा करते हैं, उनकी कृपा का तो कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इतनी कृपा करते हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। बस उनके साथ थोड़ी सा नियम रख लीजिए, फिर भगवान बहुत कृपा करते हैं। तो वो कहती है, उसकी सहेली कहती है कि देख, अब जो हुआ सो हुआ, अनजाने बस हुआ, तुझे सब चीज़ें पता नहीं थी, तो अब दोबारा गलती ऐसी मत करना और भगवान से माफ़ी मांग ले कि जो भी हमसे इतने दिनों में गलती हुई है, भगवान जी जो भी जाने अनजाने हमसे गलती हुई है उसको माफ़ करिए, और आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम अपने घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनाएंगे और जो भी जैसे गलत चीज़ बनती है वो बाहर से खा लो, आप खा के आ जाओ, या कि जब खाते हो तो फिर भगवान का स्पर्श नहीं करो, नहीं तो घर में अगर कोई खाता है उनको खाने दो, घर में मतलब घर के अगर सदस्य कुछ खाते हैं तो खाने दो, लेकिन तुम अगर सेवा कर रही हो, घर में किसी एक सदस्य को ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे तरीके से पवित्र हो, पवित्र मतलब कि ये शाकाहारी हो, ना कि नॉनवेज खाने वाला और ये सब चीज़ें। जब हम भगवान को उस तरीके से मानेंगे ना, तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात, जब आप किसी चीज़ का नियम बना लेते हैं ना, तो सारा भोजन अच्छा लगता है। आप जब बिना लहसुन प्याज का भी भोजन करने लगते हैं, जब आप उनको भोग लगाने लगते हैं, तो वो खा के देखिए इतना अच्छा लगने लगता है ना, कि आपका कभी मन भी नहीं करेगा कि हम लहसुन प्याज वाला, या कि हम बाहर जाके कुछ ऐग खाएं या कुछ ऐसा खाएं, कभी आपका मन नहीं करेगा। कब? जब आप नियम लेंगे, जब आप उनके साथ, लड्डू गोपाल के साथ पूरे तरीके से जुड़ेंगे। तो क्या होता है, वो कहती है, सहेली कहती है कि हाँ ठीक है, तू सही कह रही है, और घर में अब मेरे बच्चे खाएं या मेरे हस्बैंड खाएं, मैं उनको तो रोक नहीं सकती, लेकिन मैं अपने आप को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, और अपने आप को मैं भगवान को समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि भगवान आज से मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ रही हूँ, मतलब ये लहसुन प्याज एग ये सब चीज़, और मैं आपका आपके लिए सात्विक रह के और आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे ऊपर कृपा करना। और ऐसे कह के वो इस नियम का पालन करने लगती है। कुछ दिन के बाद ही उसको इस चीज का परिवर्तन समझ में आने लगता है, जैसे वो हस्बैंड और बच्चे जैसे कुछ कहते, कुछ खाते, कुछ बोलते, इसने बिल्कुल नियम, मतलब नियम ये नहीं कि हमने चार दिन के लिए नियम ले लिया, या कि हम मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे और बाकी दिन खाएंगे, ऐसा नहीं। नियम मतलब नियम, अगर आपने लड्डू गोपाल घर में रखे हैं तो उसका नियम से पालन करिए, तभी आपके ऊपर कृपा होगी और अनुभूति होगी। बहुत से घर ऐसे हैं जो कि मेरे से भी मिलते हो, कहते हैं कि यार हम रखे तो हैं लड्डू गोपाल, लेकिन हमें आज तक कभी कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई, कभी हमारे कभी आज तक सपने में लड्डू गोपाल नहीं आए, तो इसका कोई और कारण नहीं है, ये इसका यही कारण है कि आपके घर में सात्विकता नहीं है। जैसे ही आप इस तरीके से करने लगेंगे, आपके ऊपर भी कृपा होगी, आपको भी भगवान सपनों के माध्यम से दर्शन देंगे, आपको भी अनुभूति कराएंगे, तो फिर बाद में जो वो सहेली थी वो सब कुछ छोड़ देती है और सात्विक हो जाती है। कुछ दिन के बाद से ही उसको ये सब चीज़ होना शुरू हो जाती है, उसको लड्डू गोपाल की अनुभूति होने लगती है। सपने में कई बार लड्डू गोपाल उसके सपने में आए, उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि सच कह रही थी तो, कि जब तक हम सात्विक नहीं होंगे तब तक ये सब चीज़ होगी भी नहीं, कृपा होगी भी नहीं। तो और जब से तो बोली है, आज इतने दिन हो गए, मेरे सपने में इतने बार लड्डू गोपाल आ गए, मुझे ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी हैं, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया हो, सब कुछ भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से पहले से कहीं अच्छा, घर
घर परिवार में चलने लगा है, बहुत सुख शांति समृद्धि है। तो थैंक यू कहती है अपनी सहेली को कि ना तो उस दिन वो आई होती, ना तो वो देखी होती और ना ये सब चीज बताई होती और ना आज उसके ऊपर इतनी कृपा हुई होती। तो ये सब कोई और नहीं करता, ये सब हमारे लड्डू गोपाल करते हैं, ना कोई देखो वो साक्षात आगे प्रकट होके तो वो कलयुग है वो आएंगे नहीं और ना ही भूलेंगे, वो इसी तरीके का कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं, चाहे वो हमारे सहेली के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे घर परिवार वालों के माध्यम से हो, या कि ये वीडियो के माध्यम से हो, या हम कोई ना कोई ऐसे वीडियो देखते हैं कि कभी हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि ऐसा सही है या गलत है, और उसी टाइम पे हम ऐसे वीडियो देख लेते हैं तो हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये भगवान ही करते हैं, कोई इंसान के बस की बात नहीं है, ये वही सब कुछ सलाह देते हैं और वही करवाते हैं और अपने भक्तों के माध्यम से ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे कृपा ममता जी के ऊपर लड्डू गोपाल ने की, वैसी कृपा हर भक्तों के ऊपर करना लड्डू गोपाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।